सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि शहर निवासियों को पता ही है कि कल राजपुरा में पहली बार भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल है और सारे राजपुरा शहर को बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। इतना ही नहीं, पिछले कई दिनों से शहर निवासी अपने शहर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो शायद अब समाप्त हो गया है। जी हाँ, भगवान श्री जगन्नाथ आज दोपहर 3 बजे के करीब सुक्षेत्रा से राजपुरा में पधार चुके हैं, जो कल 3 बजे बहलपुरी भवन से विशाल रथ पर सवार होकर पूरे शहर में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे भगवान के आने की खुशी में भगत जन उत्सव मनाकर नाच रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस समय राजपुरा में भगवान श्री जगन्नाथ जी के आने पर कैसा माहौल है और कल क्या क्या उत्सव मनाए जाएंगे आपके अपने शहर राजपुरा में। जिनके लिए हम लोग कितने टाइम से वेट कर रहे थे हमारी आंखें खुल सकी भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान आज हमारे समक्ष हैं, फर्स्ट टाइम भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होगी राजपुरा के अंदर, तो भगवान के वेलकम के लिए आए सभी प्रेस का और अनेक भक्तों का स्वागत है यहाँ पे। बाकी का कार्यक्रम इस पर आएगा 26 तारीख यानी कल शनिवार। आप सबको बताया कि भगवान जगन्नाथ जी पहली रथ यात्रा राजपुरा के अंदर और अभी आज 7 बजे हाउस नंबर 7 गुरु नानक बोली श्री हरीश प्रभु जी का घर है, वहाँ पे शाम को 7 बजे जगन्नाथ महोत्सव होगा। वहाँ पे भगवान की कीर्ति का गुणगान करेंगे कुछ भक्त और प्रवचन होंगे, इसके साथ साथ कीर्तन होगा और सबके लिए प्रसाद होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कृपया टाइम पे पहुंचे भगवान जगन्नाथ जी की। कल सुबह कितने बजे भगवान को रथ पर सवार किया जाएगा? कल सुबह 5 बजे यहाँ पे मंगल आरती होगी, भक्त यहाँ पे आएंगे और भगवान अराउंड 11 बजे भगवान 11 बजे अराउंड पहुँचेंगे और भगवान की मर्जी हो 11 बजे पहुँचे या 11:30 बजे पहुँचे जगन्नाथ स्वामी। तो फिर अगेन आप सबको एक बार इस्कॉन फेस्टिवल कमेटी इस्कॉन राजपुरा और इस्कॉन चंडीगढ़ से आप बालपुर भवन में भी इनका किसी तरीके स्वागत किया जाएगा। 11 बजे भगवान बालपुर भवन आएंगे, यहाँ पे 56 भोग होगा, महाआरती होगी और उसके बाद भगवान 3 बजे अपने रथ पे आसीन होंगे और राजपुरा के भक्त उसको खींचेंगे और भगवान का रथ आगे चलेगा पूरे शहर से होते हुए। भगवान फिर दोबारा 8 बजे भगवान में पहुंचेंगे जहाँ पे हरे कृष्णा उत्सव होगा और सभी भक्तों के लिए प्रशासन की व्यवस्था। रथ यात्रा के लिए शहर निवासियों को अपील करना चाहते हैं? देखिए, आप सब सोचते हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैं सबके लिए अच्छा कर रहा हूँ,
क्यों मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, क्यों मेरे पास इतनी प्रॉब्लम है, इस सब का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, भगवान जगन्नाथ। आप आए, भगवान जगन्नाथ जी का रथ को खींचे और अपने जीवन को सफल बनाए। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।